Good morning, everyone. This is Dr. Rikavli. I'm consultant obstetrician and gynecologist, Healing Hospital, Chandigarh. And today we'll be talking about daily fetal movement count. बच्चे का पेट में मूवमेंट काउंट कैसे रखना है, इस बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। ये हम सब जानते हैं कि बच्चे की मूवमेंट का काउंट रखना बहुत ज़रूरी है। इससे हमें बच्चे की वेलबींग के बारे में पता लगता है। There are multiple ways which a doctor suggests कि आप किस तरह से बेबी का मूवमेंट काउंट रख सकते हो। आइडियली 28 वीक्स के बाद जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं, अगर आपको बीपी है, आपको शुगर की बीमारी है, या आपकी पिछली प्रेगनेंसी में कोई मिस हैपनिंग हुआ है, या प्लेसेंटा की कोई प्रॉब्लम है जैसे प्लेसेंटा प्रीविया है, या फिर कुछ और रिकरेंट अबॉर्शंस, कोई भी हाई रिस्क आपको प्रेगनेंसी है, कोई भी हाई रिस्क फैक्टर है आपको प्रेगनेंसी में, तो 28 वीक्स पर 7 मंथ पर हम फीटल मूवमेंट काउंट रखना शुरू कर देते हैं। इन अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, यही प्रोसेस हम 34 वीक्स पर शुरू करते हैं। फीटल मूवमेंट्स वैसे अराउंड 16 टू 18 वीक्स पर परसीव होना शुरू हो जाती हैं इन दोज लेडीज जिनका ये सेकेंड या थर्ड बेबी रहा हो, और जिनका फर्स्ट टाइम बेबी हो रहा हो उनको 20 वीक्स पर अराउंड 4th टू 5th मंथ के आसपास फीटल मूवमेंट्स परसीव होना शुरू हो जाते हैं। उस टाइम पर जो अर्ली प्रेगनेंसी में फीटल मूवमेंट्स परसीव होती हैं, दोज आर जस्ट लाइक बबल पॉप, जिसे बबल पॉप करता है, या बटरफ्लाई के विंग्स फ्लैप होते हैं, बहुत ही माइल्ड सी मूवमेंट फील होती है, जो तब अगर आप बहुत रेस्ट कर रहे हो, यू आर लाइंग डाउन इन अ काम एनवायरनमेंट, और बहुत ज़्यादा आप कॉन्सेंट्रेट करें तो आपको फीटल मूवमेंट्स परसीव हो जाएंगे। जैसे जैसे बेबी साइज में ग्रो करता है, वैसे वैसे बेबी की टोन डेवलप होती है, मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज करती हैं, एंड दीज मूवमेंट्स गेट स्ट्रॉन्गर। सो बाय 28 वीक्स, 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, आपको अच्छी मूवमेंट्स बॉडी में फील होना शुरू हो जाती हैं। नाउ कमिंग ऑन टू मेथड्स, कि क्या क्या मेथड्स हैं टू कीप अ बेबी मूवमेंट काउंट। मोस्ट प्रेफर्ड मेथड इज डेली फीटल मूवमेंट काउंट, जिसमें हम दिन में 3 बार मूवमेंट काउंट देखते हैं, आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच एंड आफ्टर डिनर। वॉट वी एडवाइज द पेशेंट कि खाना खाते टाइम आप शुरू हो जाइए, वेन यू आर ईटिंग फूड तभी से आप काउंट करना शुरू कर दो, एंड 1 आवर तक आपने ऑब्जर्व करनी है। आइडियली दिस शुड बी डन इन अ लाइंग डाउन पोजिशन, जिसमें आप लेफ्ट साइड लेकर लेट जाइए, टमी पे हाथ रखिए एंड काउंट करना है। 4 to 5 मोमेंट्स हो जाएं उसके बाद काउंट करना आप बंद कर दीजिए। इसी तरह लंच के बाद करना है, इसी तरह डिनर के बाद करना है। सो ये तो आपका एक तरीका हो गया जिससे आप फीटल मूवमेंट काउंट देख सकते हो। दूसरा है कार्डियक काउंट ऑफ 10। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लेडी को बोलते हैं कि आपने सुबह से जब भी आप उठते हो, फ्री हो जाते हो, तब से काउंट करना शुरू करना है। जब आपकी 10 मूवमेंट हो जाए काउंट करना छोड़ दो, योर बेबी इज़ हेल्दी। अब अगर आपको ठीक से मूवमेंट्स फील नहीं हो रही हैं, इफ़ यू आर हैविंग अ हाई रिस्क फैक्टर, देन इमीडिएटली कम टू द हॉस्पिटल। आप हॉस्पिटल आएंगे, एक NST टेस्ट होता है, NST इज़ नॉन स्ट्रेस टेस्ट, जैसे कि एडल्ट्स का हम ECG करते हैं, ECG पे दिल की धड़कन दिख जाती है, उसी तरह NST भी एक ECG की तरह प्रिंट होता है, जिसमें हमें बच्चे की दिल की धड़कन दिख जाती है। इफ़ NST इज़ फाइन, वी सेंड यू बैक। इफ़ NST इज़ नॉट फाइन, देन हमारे फर्दर इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, अल्ट्रासाउंड विद बायोफिजिकल प्रोफाइल है, जो कराना ज़रूरी है। अगर आपकी अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है, एंड आपको फीटल मूवमेंट्स कम फील हो रही हैं, तब आप क्या करेंगे, एक ग्लास ऑफ जूस, ऑरेंज जूस, मिक्स फ्रूट जूस, कोई भी जूस विच इज़ हाई इन शुगर आप ड्रिंक कर लेंगे, और उसके बाद 1 घंटा और ऑब्जर्व करेंगे। अगर तो फीटल मूवमेंट्स हो जाती हैं, गुड अनफ। अगर नहीं होती हैं, देन अगेन वी फॉलो द सेम प्रोटोकॉल, यू रीच द हॉस्पिटल, वी गेट द NST डन। नाउ फीटल मूवमेंट्स, बहुत सारे पेशेंट्स जब OPD में आते हैं, दे हैव मल्टीपल क्वेश्चंस कंसीडरिंग फीटल मूवमेंट्स। थोड़ा सा उनके बारे में डिस्कस करेंगे। राइट साइड हो रही है, लेफ्ट साइड हो रही है, राइट साइड ज़्यादा होती है, इट डज़ नॉट मैटर किस साइड ज़्यादा हो रही है, किसी भी साइड हो सकती है, द ओनली थिंग विच मैटर्स इज द नंबर ऑफ मूवमेंट्स। सेकेंडली, लोग बोलते हैं कि हमारी मूवमेंट्स नीचे की तरफ हो रही है, दिस इज़ ओके। Why? Because जो यूट्रस है वो प्यूबिक बोन की तरफ से ग्रो करके ऊपर रिब केज की तरफ बढ़ता है, तो इनिशियली आपका बेबी 26-27 वीक्स तक नीचे ही होता है, अम्बिलिकस के नीचे ही होता है, तो आपको मूवमेंट्स वहीं फील होती है, सो इट इज़ ओके। थर्डली, स्लो मूवमेंट हो रही है, फास्ट मूवमेंट हो रही है, देर इज़ नो क्राइटेरिया कि स्लो मूवमेंट ठीक है कि फास्ट मूवमेंट ठीक है। अगेन, द नंबर ऑफ मूवमेंट्स नीड टू बी काउंटेड, स्लो फास्ट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच मेनी पेशेंट्स टेल एंड के टाइम पे 34, 35, 36 वीक्स के आसपास लोग बोलते हैं कि अब हमारी मूवमेंट्स कम हो गई हैं, उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हैं जितनी पहले रहीं। इसका कारण है वाई, बिकॉज द बेबी ग्रोज इन साइज, यूट्रस में स्पेस लिमिट हो जाता है, कम जगह होती है बच्चे के घूमने के लिए, बच्चे का हेड भी फिक्स हो जाता है, तो बच्चा उतना विग्रस मूवमेंट नहीं करता जितना पहले करते हैं। पहले तो बच्चा पूरी कलाबाजी ले लेता है, साइड टर्न्स अच्छे से ले लेता है, अब इतनी स्ट्रांग मूवमेंट्स नहीं होती एंड के टाइम पे। सो अगेन द नंबर ऑफ मूवमेंट्स, बच्चे की स्ट्रेंथ या किस तरह की मूवमेंट डज नॉट मैटर, मूवमेंट काउंट रखना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को हम लाइटली नहीं ले सकते, बिकॉज दिस इज़ द ओनली वे अ मदर कैन नो दैट द बेबी इज़ डूइंग फाइन। एंड जब आप हमारे पास ओपीडी में आते हैं, सो थ्रू द मदर वी ऑल्सो नो दैट द बेबी इज़ डूइंग फाइन। कभी भी आपको लगे कि बेबी की मूवमेंट्स ठीक नहीं है, इवन इफ़ यू हैव अ टाइनी हिंट कि आज कुछ गड़बड़ लग रही है, आज आई एम नॉट वेल, द बेबी इज़ नॉट वेल, कोई हर्ज नहीं है, डॉक्टर को फ़ोन करो, डॉक्टर को कंसल्ट करो, रीच द हॉस्पिटल एंड गेट अ एनएसटी टेस्ट डन। द पॉइंट इज वी नीड आवर बेबी टू बी सेफ। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द फीटल मूवमेंट काउंट। आई होप यू आर काउंटिंग योर बेबीज मूवमेंट्स नाइसली एंड हैविंग अ हेल्दी प्रेगनेंसी। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।